सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। और गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और नया एपिसोड गाइस, पिक्सआर का, ये माइनक्राफ्ट प्लस आर का कॉम्बिनेशन। सो गाइस, पिक्सआर का पिछला जो एपिसोड था उसमें मैंने आपको गाइस बताया था कि हम लोग लेदर वगैरह जो है गाइस, वो लेदर यहाँ पे किस तरीके से बाप रे मारने लग गया। सो लेदर वगैरह जो है गाइस, उसका जुगाड़ पिक्सआर में कैसे कर सकते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पिछले एपिसोड में दी थी। लेदर नहीं, सॉरी, पेट्रोलियम का जुगाड़ हम लोग कैसे कर सकते हैं और गैसोलीन कैसे बना सकते हैं, ये मैंने आपको पिछले एपिसोड में गाइस बताया था। और अभी आज का ये वाला जो हमारा एपिसोड है, इस वाले एपिसोड में हम लोग जो है ना गाइस, अंडरग्राउंड घर बनाने की शुरुआत जो है गाइस हमारी, वो करने वाले। वैसे आज का जो एपिसोड है, वो शुरू करने से पहले जो भी नए बंदे होंगे चैनल पे, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा, फटाफट से गाइस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी अगर आपको पिक्सआर के सर्वर वगैरह बनाने, सुनिट्राडो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग बना सकते हो। सो चलो आज का ये वाला एपिसोड करते हैं गाइस बिना किसी देरी के शुरू, और मचा डाल दे बुलडू दबाई। बाकी मैंने ऑफलाइन में भर भर के लेदर इकट्ठा करा है गाइस, भर भर के लेदर इकट्ठा करा है गाइस। और इसकी मदद से अभी सबसे पहले जाकर मैं बैरल बनाऊंगा, बैरल बना के गैसोलीन बनाने के लिए डाल देंगे, एंड फिर जनरेटर बना के अंडरग्राउंड घर बनाने का काम हम लोग कर देंगे हमारा शुरू। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे चाहिए होगा कॉपर। कॉपर के बिना गाइस हमारा कुछ भी नहीं बनेगा। सो हम लोग को सबसे पहले तो कॉपर इनगट चाहिए होगा यहाँ पे। ये कॉपर नहीं है क्या? ये कॉपर इनगट सारा खत्म है मेरा। ये मेरे पास कॉपर गाइस मुझे दिखाई नहीं दे रहा है करके। 30 कॉपर है। कॉपर गाइस में मुझे लेके आना पड़ेगा लग रहा है। हाँ 59 हो रहे। इसे कितने बैरल बनेंगे भाई? 100 कम से कम बैरल चाहिए मुझे, मुझे पता नहीं भाई। 89 बैरल बन रहे ओनली। क्यों भाई? क्योंकि हमारे पास भाई कॉपर नहीं है। व्हाट इज दिस बिहेवियर गाइस, व्हाट इज दिस बिहेवियर। देखो मुझे भाई ये जो गैसोलीन वगैरह है, गैसोलीन में एक इसमें रख दूंगा ना भाई। ये भी मेरे पास रहने दो, गैसोलीन मेरे पास ही रहने दो। चलो लेदर चेतर में यहाँ पे डाल देता हूँ, ये भी यहाँ पे डालता हूँ, ये भी। और हम लोग चल रहे गाइस यहाँ पे थैच भाई, थैच थैच या वुड, दोनों में से कुछ भी चलेगा, ताकि मैं मीट वहाँ पे कुक करने के लिए डाल सकूँ। यहाँ पे डाल देते गाइस हम लोग कुक करने के लिए मीट दबा के, लाइट फायर। चलो डन, लेवल अप आ चुकी है, मिली डैमेज में पॉइंट डालूंगा मैं। ओके, और मैं जा रहा हूँ गाइस अभी कॉपर लेने के लिए। कॉपर मुझे पता है यार, इजीली यहाँ पे कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा, कॉपर की कमी नहीं है। कॉपर तो मैंने मार्क भी कर रखा है यहाँ पे, ये कॉपर का ही मार्क है ना अपना ना? कॉपर का मार्क ये रहा, ये आयरन का मार्क है शायद से। कॉपर तो हम लोग को कहीं पे भी मिल जाएगा भाई। तब आयरन के मार्क के नीचे ही गाइस हम लोग को हमारा जो कुआ है गाइस वो मिला है ऑयल का। और वहाँ पे एक नहीं भाई, 2-3 कुएं भाई ऑयल के। आयरन नहीं चाहिए भाई तब ना मुझे, मुझे आयरन नहीं चाहिए वैसे। मुझे आयरन नहीं चाहिए था, मुझे कॉपर चाहिए गाइस। कॉपर कहाँ पे था? मैं भूल गया यार, मैंने मैप पे टैग तो करके रखा है, यहाँ पे ही है। ये टैग का नाम नहीं पढ़ पा रहा मेरे को। ये क्या है? क्राफ्टिंग क्वेस्ट है। अरे यार मैंने टैग लगा के रखा था, बट छोड़ो कोई सीन नहीं है। हम लोग लेके आ देगा इस कॉपर। कॉपर तो भाई ढूंढने से इजीली मिल जाएगा, ज़्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ेगा कॉपर ढूंढने के लिए। कोई पीछा कर रहा है? अरे जा रे, आधे इंसान आधे घोड़े बहन के। चलो भाई क्यों पीछा कर रहा है मेरा? वापस से भाई हमारे स्टैमिना खत्म हो गया था भाई छड़ी का। ये रहा कॉपर। कॉपर की कमी है क्या गाइस? ये देखो कॉपर की कमी है भाई, जहाँ जाओ वहाँ कॉपर मिले भाई। ये लो, इट्स आयरन भाई, जहाँ जाए कॉपर मिले। तो आयरन मिल गया, कॉपर, कॉपर की खान कहाँ पे थी? अरे मुझे याद आ गया, बम्बू फॉरेस्ट में कॉपर मिला था हम लोग को। हम लोग बम्बू फॉरेस्ट से कॉपर लेके आए थे। बम्बू फॉरेस्ट कहाँ पे है? बम्बू फॉरेस्ट का है, बम्बू फॉरेस्ट। ठीक है, मुझे बम्बू फॉरेस्ट में जाना पड़ेगा गाइज, वहां से मुझे कॉपर मिलेगा। चलो चलो फटाक से बम्बू फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं गाइज। ठीक है, A few moments later. बम्बू फॉरेस्ट में गाइज हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। यहाँ पे आयरन वगैरह काफी ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, यहाँ से जैसे भाई बाहर निकलूंगा, ये देखो यहाँ पे एग्जिट पे हम लोग को बम्बू फॉरेस्ट मिलने वाला है। पहुंच गए गाइज जरा यहाँ पे बम्बू फॉरेस्ट, और वहां से ना इतना कॉपर लेके जाऊंगा ना मैं, पूरा ओवर वेट होने तक कॉपर भाई उठा के लेके जाऊंगा अपने भाई इन्वेंटरी के अंदर।
यहाँ पे वैसे एंकल और स्टेगो अगर हमको डेम करना है तो ये वाले ऑरेंज वाले बाय में हम लोग को आ जाना है। यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा एंकल और स्टेगो वगैरह, ये रहा, यहाँ पे कॉपर था इतना मुझे पता है भाई, यहाँ पे कॉपर था। इस बंबू फॉरेस्ट में हम लोग को कॉपर का एक बड़ा सा पहाड़ मिल गया था सीधा, ये रहा कॉपर, ये रहा कॉपर, ये रहा कॉपर, ये रहा कॉपर, भर भर के कॉपर है भाई, भर भर के। ऊपर चढ़ने दो, ऊपर चढ़ने दो भाई, ठीक है ये लो भाई, जितना चाहिए उतना यहाँ से कॉपर जो है गाइस हम लोग लेके जा सकते हैं। मैं पूरी अपनी इन्वेंट्री फुल होने तक गाइस यहाँ से कॉपर लेके जाऊँगा। मेरे पास आयरन वगैरह है वो भी मैं फेंक दूंगा, मैं हिल भी ना पाऊँ फिर भी भाई मैं यहाँ से कॉपर उठाऊँगा। रुको भाई, वहाँ पे जाके फोर्ज में डायरेक्टली डाल दूंगा भाई, मेरी इन्वेंट्री फुल हो चुकी है, 112 कॉपर। भाई भाई बैट आ गया भाई, बैटमैन का भाई आ गया गाइस, बैटमैन के भाई। तेरे को नहीं भाई, तेरे को मरना है क्या, तेरे को पता नहीं मैं कौन हूँ भाई, बैटमैन है तो क्या हुआ, बैटमैन की बैट बजा दी मैंने। लेदर शेदर दे रहा है मेरे को भाई, डर्ट वगैरह फेंकने दो मुझे। कितना कॉपर है भाई, 96 कॉपर भाई इकट्ठा हो रहा है, इससे ज़्यादा चाहिए हम लोग को, और भी ज़्यादा चाहिए गाइस हमको कॉपर। मैं हिल नहीं पा रहा हूँ, मैं हिल नहीं पा रहा हूँ गाइस यहाँ पे, मैंने काफ़ी ज़्यादा कॉपर उठा लिया है, बट मैं और कॉपर गाइस जैसे उठा के लेके जाऊँगा, क्योंकि कॉपर लेने के लिए ना काफ़ी दूर आना पड़ता है। आयरन तो हम लोग को कहीं पे भी मिल जाएगा, बट कॉपर के लिए बहुत ज़्यादा दूर आना पड़ता है, इसलिए यहाँ से ना इतना कॉपर उठाऊँगा, इतना कॉपर उठाऊँगा, 200 भाई 180, 400 कॉपर टोटल मैंने उठा लिया, टोटल 400 कॉपर गाइस, ठीक है। ये 200 और हिल नहीं पा रहा यार, मैं बिल्कुल हिल नहीं पा रहा हूँ भाई, एक जगह से इतना कॉपर उठा लिया है ना, 250, ये लो ये लो ये लो, पूरी धरती भाई यहाँ पे तोड़ दूंगा मैं, तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा। मेरी ब्रूमस्टिक जो है गाइस वो मेरा वेट उठा लेगी वैसे, सो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आजू बाजू का सारा कॉपर लेने दो, 500 कॉपर तो मैं लेके जा सकता हूँ, इतना तो वेट शायद से मेरी ब्रूमस्टिक उठा लेगी ऐसा लग रहा है मुझे। ओके, मैं 500 कॉपर उठाता हूँ, उसके बाद हम लोग जो है ना गाइस घर के पास चलेंगे भाई। रेंज नहीं है गाइस, और इतनी रेंज है, इससे ज़्यादा रेंज नहीं है नीचे। हाँ, अरे मुश्किल से नहीं चढ़ो, खत्म खत्म, रेंज खत्म, रेंज खत्म। ब्रूमस्टिकवा भी भाई थोड़ी सी ओवरवेट हो गई यार, हो गई यार, ऑलमोस्ट ओवरवेट हो चुकी है, इसकी स्पीड थोड़ी कम हो चुकी है गाइस, मेरी ब्रूमस्टिक की भाई स्पीड जेड़ा कैसे कम हो चुकी है। चलो कोई ना, इसको आराम से गाइस हम लोग घर पे लेके चलते हैं, और सीधा भी आपसे घर पे मिलते हैं भाई। कितना कॉपर उठाया देखना चाहते हो, लो बार बार के कॉपर, 100 200 300 400 500 600 700, लगभग 700 कॉपर उठा लिया हम लोग ने, ठीक है। चलो अभी घर पे चल के पिघलाने के लिए डाल देते हैं। A few moments later, इतना ज्यादा वेट उठा के ऑलमोस्ट गाइस हम लोग हमारे घर पे पहुंचने वाले हैं, और उसके बाद जाकर मैं गैसोलीन बनाने के लिए डालूंगा, फिर हमारा अंडरग्राउंड जो भाई काम शुरू होगा ना, अंडरग्राउंड बेस बनाने का काम जो है गाइस वो शुरू हो जाएगा। वैसे मैंने बोला था गाइस कि हम लोग टेमिंग वगैरह भी करेंगे, चलो गाइस आज एक पीटी को पकड़ ले, वैसे ज़रूरत तो नहीं है बट फिर भी मैं सोच रहा हूँ पकड़ लो यार, वुड के बिना यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, मुझे वुड चाहिए होगा, वुड के बिना मैं वहाँ पे कुछ नहीं कर सकता हूँ। वैसे थोड़ा वुड उठा लूँ, क्योंकि पहले वहाँ पे वुड डालना पड़ेगा तभी जाके गाइस आगे का काम हो पाएगा। चलो चलो भाई, देख रहे हो गाइस क्या क्या करना पड़ रहा है, स्ट्रगल देख रहे हो गाइस, चलो स्ट्रगल देखो भाई, स्ट्रगल देखो, ओवर वेट हो चुका हो पूरा, एंड चलो इतने से काम हो जाएगा, इतने से काम तो होना चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा एक्स्ट्रा लेके चलता हूँ साथ में ना, क्या ना बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेने का रे बाबा। क्या हो गया, यहाँ से मैं लेके नहीं जा पा रहा हूँ क्या ब्रूमस्टिक, हाँ मुझे लगा भाई यहाँ से ब्रूमस्टिक नहीं जा रही है, थोड़ा डर लग गया था। रॉकेट भाई यार, क्यों भाई जीरो बन रहा है ज़्यादा, 42 हेल्थ है ना तेरी, हीरो बन रहा था ज़्यादा, जीरो बना दिया। चलो अभी घर पे चल के एग्जैक्टली जो हमारे फर्नेस है उसके ऊपर हम लोग को लैंडिंग कर देनी है। ओके, फर्नेस के ऊपर आराम से यहाँ पे लैंडिंग, उसके बाद यहाँ पे हम लोग डाल देंगे वुड, देन आयरन, आयरन लाइट फायर पहले, 60 आयरन, 100 200 300 400 कॉपर मैंने बनाने के लिए यहाँ पे डाल दिया, बराबर ओवरवेट से हटा नहीं अभी भी मैं। उसके बाद ये वुड यहाँ पे जाएगा, गैसोलीन बना नहीं सकता क्या मैं, लाइट फायर,
गैसोलीन भाई यहाँ पे बना लेता हूँ थोड़ा, एंड बाकी का यहाँ पे बनाने के लिए डाल दिया मैंने कॉपर। ठीक है, सो हमारा जो घर रहेगा अंडरग्राउंड, उसका एंट्रेंस कहाँ से रहेगा? ठीक है, वो सबसे बड़ा सवाल है। हमारे अंडरग्राउंड घर का एंट्रेंस हम लोग यहाँ से रखे तो, या फिर अंदर से रखो? अंदर तो पहले भी वैसे पहले से वहाँ अंदर जगह नहीं है। सो हमारे अंडरग्राउंड घर का एंट्रेंस हम लोग यहाँ से रखेंगे, बस डन। हमारा जो अंडरग्राउंड घर रहेगा उसका एंट्रेंस जो है वो यहाँ से रहेगा। ओके चलो, और घर जो है गाइस वो एकदम ओपी होना चाहिए हमारा। थोड़ा नीचे बना लेता हूँ मैं, थोड़ा नीचे बनाता हूँ। रुको, ये तो इजीली टूट रहा है भाई, इजीली टूट रहा है। अबे यार ये नहीं तोड़ना था, ये तो सीढ़ी थी हमारी, गलत चीज तोड़ दी मैंने। रुको, यहाँ पे स्टोन से भाई भरने दो वापस से इसको, इसको ये हमारी स्टेयर्स है। ठीक है, सो गाइज अंडरग्राउंड घर जो है गाइज वो हमारा यहाँ से बनने वाला है। कितना नीचे जा रहा है? और एक और स्टेप नीचे, एक और स्टेप, एक और स्टेप, इसके नीचे हमारा अंडरग्राउंड घर बनेगा यहाँ पे। भाई इतना इनफ है ना, बहुत ज़्यादा अंडरग्राउंड हो गया। कोई ना, चलो यहाँ पे ये हमारा बेस लेवल होने वाला है घर का। ठीक है, बेस लेवल होगा ये, यहाँ से ऐसे खुदाई शुरू हो जाएगी। बराबर गाइस, चार का ना, वन टू, ये जो है गाइस इसकी हाइट होगी मैक्स, ये इसकी मैक्स हाइट होगी। कितनी मैक्स हाइट है? रुको, इतनी इनफ है ना, इतनी इनफ है, इतनी इनफ है। इसको यहाँ पे पैक कर दो, इसको पैक कर देंगे यहाँ पे ऐसे। ठीक है, तो गाइस ये रहा हमारा घर। यहाँ पे स्टेयर्स वगैरह लगानी है, ये भी तोड़ देना है, इसे बीच में आ रहा था ये, इसको भी तोड़ देना है, यहाँ पे ऐसे लगा देंगे। तो ये हमारा एंट्रेंस रहेगा ना, थोड़ा और ऊंचा करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे स्टेयर बनेगी ना। स्टेयर्स कौन कौन सी चीज़ की भाई? स्टोन की स्टेयर बना लेता हूँ मैं, हमारे पास अभी इतना स्टोन है ही वैसे भी, सो स्टोन की स्टेयर बना के लगा देंगे, काम खत्म। तो जब मैं स्टोन की स्टेयर लगा देता हूँ, एंड अंडरग्राउंड घर का काम भाई हमारा हो चुका है शुरू। 100 जो है जो टोटल हम लोग यहाँ पे स्टेयर लगाएंगे, 100 बनने दो स्टेयर को, 100 स्टेयर जो है जो बन चुकी है। ए भाई, ए भाई, दिस इज नॉट योर घर बेटा, ठीक है? यहाँ पे भटकने का भी नहीं, भटकने का भी नहीं यहाँ पे। ओके, और चार का बना लो क्या? चार का बना लेते, थोड़ा एंट्रेंस बड़ा ही रखेंगे, थोड़ा बड़ा ही एंट्रेंस रखेंगे ताकि थोड़ा अच्छा लगे। कितना बड़ा ही है? कितना बड़ा ही ना फिर? 5 का बना दो क्या? थोड़ा बड़ा सा एंट्रेंस बनाने के बारे में सोच रहा था नहीं, इतना ही इनफ होगा ना, इतना ही इनफ होगा यार, इतना ही इनफ होगा। स्टोन वगैरह होंगे वो यहाँ पे डाल देता हूँ, एंड पहले तो मैं स्टेयर लगा दूँ, रुक जाओ, क्योंकि मुझे जंप मार मार के आना पड़ रहा है बार बार, सो इसलिए हम लोग यहाँ पे स्टेयर्स लगा देते हैं। ओके, स्टेयर्स लगाने के बाद ऊपर का जो एरिया है उसको हम लोग अच्छे से क्लियर कर देंगे। पहले तो यहाँ पे रुक जाओ, चार चार का बनाना है ना, इसको यहाँ पे इस तरीके से लगा देता हूँ। मुझे अलग अलग तरह के जो स्टोन से ना गाइज वो भी लेके आने, पता है मैं अलग अलग तरह के जो स्टोन है ना गाइज वो भी लेके आऊँगा, लावा स्टोन वगैरह, जिससे हम लोग डेकोरेट करेंगे गाइज हमारे अंडरग्राउंड वाले घर को, क्योंकि हमारा अंडरग्राउंड वाला घर है वही मेन घर रहने वाला है। तो अभी यहाँ से हम लोग ये इजीली ऊपर जा सकते हैं, बड़े लग रहा है क्या सर को? इसको हटा दो, हटा देंगे, लग रहा है तो इसको हटा देंगे सीधा, लग नहीं रहा बट एक स्पेस रहना जरूरी है ऐसा ताकि अच्छा लगे। ओके एंड डन, यहाँ से यहाँ हमारा इस वॉल का क्या सीन है? कितना है? 1, 1, 2, 3, 4 बराबर 5 कर दो, 5 कर देंगे। ठीक है,
एंड यहाँ से इस तरफ से डन गाइस। सो अभी हमारा अंडरग्राउंड बेस जो है वो बनना यहाँ पे हो जाएगा शुरू। हम लोग यहाँ पे जो ना गाइस भरपूर खुदाई करेंगे, भर भर के खुदाई करेंगे। यहाँ से मुझे और रुक जाओ, मैं एक इन्वेंट्री भर के स्टोन जो है ना गाइस वो घर पे रख के आता हूँ, क्योंकि स्टोन का यूज जो है ना गाइस वो काफी ज्यादा आगे जाके हम लोग करने वाले, काफी ज्यादा आगे जाके इसका यूज होने वाला है। तो रुक जाओ, पूरी एक इन्वेंट्री भर के लगभग 500 या 600 स्टोन होगा वो मैं वहां पे मेन घर पे जो है ना गाइस ऊपर वाले अपने रख देता हूँ। इसको इस तरीके से यहाँ पे पूरा रिमूव कर देंगे, देख रहे हो। और यहाँ पे मेरे कंधे पे जो छोटा सा जुगनू है ना गाइस, उस जुगनू के रीजन से हम लोग को यहाँ पे लाइट मिल रही है। अगर ये जुगनू नहीं होता तो यहाँ पे लाइट भी नहीं मिलती, इसलिए गाइस मैंने जनरेटर वगैरह जो है ना गाइस वो बनाने के बारे में सोचा। जनरेटर की भी आज जो है ना गाइस वो बन के रहेगा, और उसको यहाँ पे लगा के लाइट का भी जुगाड़ हम लोग कर लेंगे। बट तब तक, जब तक गाइस वहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, कुछ तो पिघल रहा है ना, हमारा कॉपर पिघल रहा है, तब तक हम लोग यहाँ पे ओए कॉपर, मेरे घर के नीचे कॉपर है भाई, ये मुझे खुद पता नहीं था कि मेरे घर के नीचे कॉपर है यार। अभी फिलहाल के लिए ना तूफान आ गया क्या, ओए आंधी तूफान आ गया है भाई, भाई उड़ ना जाए मेरे राइनो, आंधी तूफान आ चुका है, उसका असर नीचे तक देखने को मिल रहा है यार, नीचे भी हवाएं चल रही है। सही है, चलो ये क्या है, सैंड है। डर्ट यहाँ पे इतनी नीचे क्या कर रही है, ये मत बोलो यहाँ पे पानी लगेगा, पानी लग गया तो पानी को भी ब्लॉक कर देंगे वैसे हम लोग, ठीक है पानी को भी ब्लॉक कर देंगे। भाई इसको भाई खुदाई करने में, यहाँ पे खुदाई करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, सच में मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इसको खुदाई करने में। एक दो एपिसोड तो भाई मैं एक एपिसोड में करने की ट्राई करूँगा, हो सके तो ऑफलाइन में जो है ना मैं सारी खुदाई करने की कोशिश करूँगा, बट इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, इतना तो पक्का 100% है। और उस पर मुझे भाई अच्छी अच्छी वॉल वगैरह जो है गाइस वो भी लगानी है, देखो भाई बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है खुदाई करने में। हमारा जो भाई पूरा का पूरा इन्वेंट्री है भर के स्टोन हमारे पास आ चुका है, मैं जाके जो है ना गाइस ऊपर लगा देता हूँ। ये नीचे हम लोग को फ्लोर भी लगाना पड़ेगा बराबर, तो इसके नीचे फ्लोर लगा देंगे बाद में, छोड़ कोई सीन नहीं है। अभी यहाँ पे ये पूरा भर के स्टोन मैंने डाल दिया, ठीक है इतना स्टोन भाई इनफ होगा। कॉपर कितना है हमारे पास, कॉपर कितना बना है, 96, यहाँ पे 100 दियो। ओवरवेट भाई टेंशन नहीं लेने का, कोई सीन नहीं है भाई। आंधी तूफान आ गया। इन्वेंट्री फूल है भाई, डैमेज में पॉइंट डालूंगा, वेट में ना पॉइंट डालूंगा मैं, मुझे थोड़ा हाइड चाहिए होगा, थोड़ा हाइड भाई। ये भाई तुम क्या मेरे घर, भाई देखो तूफान आ गया तो मेरे घर में आए हैं शेल्टर के लिए, ये देख रहे हो शेल्टर के लिए मेरे घर में आए भाई। स्टोरेज बॉक्स में थोड़ा सा वुड भाई स्टोन डाल देता हूँ मैं, डर्ट स्टोन फाउंडेशन एंड थोड़ा सा, रुक जाओ भाई थोड़ा सा कॉपर भी डाल दो, डालने के लिए जगह भी तो होनी चाहिए, इसमें जगह नहीं है, कॉपर रखने के लिए जगह नहीं है, इसमें से इसमें कॉपर, इसमें भी कॉपर रखने के लिए जगह नहीं है। वाह लेदर उठाइयो, चलो भाई लेदर उठाने के बाद तो मैं चल भी नहीं पा रहा, ड्रॉप कर दो, ठीक है। सो यहाँ पे पेट्रोलियम बैरल्स कितने बन रहे हैं, 96 इनफ है, नहीं बिल्कुल इनफ नहीं है, और पेट्रोलियम बैरल बनेंगे भाई, और पेट्रोलियम बैरल बनेंगे। लो भाई टोटल भाई 170 मतलब 200 प्लस भाई पेट्रोलियम बैरल यहाँ पे बनने वाले हैं, ठीक है डन। हाइट कितना है हमारे पास, अबे हाइट खत्म हो चुका है पूरा, मुझे भाई थोड़ा हाइट का जो है ना कहीं जुगाड़ करना पड़ेगा, मेरे पास थोड़ा पड़ा हुआ होगा वैसे हाइट, इनको मार के भी थोड़ा हाइट मिल गया वैसे, ठीक है मैंने यहाँ पे रखा हुआ होगा थोड़ा बैकअप के लिए, कहीं पे हाइट सारा यूज हो गया क्या, अरे यार सारा हाइट यूज हो गया, अरे भाई थोड़ा और हाइट भाई अभी जुगाड़ करना पड़ेगा लग रहा है मुझे, थोड़े और हाइट का जुगाड़ करना पड़ेगा, क्योंकि गैसोलीन बनाने के लिए भी हम लोग को हाइट चाहिए होता है, अलग ही सीन है भाई, हाइट पे हाइट इकट्ठा करना पड़ रहा है मुझे, मेरी पूरी जिंदगी जो है वो यहाँ पे हाइट इकट्ठा करते ही निकल करते करते निकल जाएगी लग रहा है। चलो एक काम करता हूँ मैं जनरेटर लगा देता हूँ पहले, ठीक है उसके बाद आगे का काम चालू कर देंगे। हम लोग जनरेटर लगा देते हैं, जनरेटर जो है ना गाइस वो हम लोग को अगर लगाना है
तो पहले बनाना पड़ेगा, और बनाने के लिए क्या चाहिए जनरेटर? पहले तो भाई इलेक्ट्रिक केबल भाई, बराबर। इलेक्ट्रिक लैंप वगैरह नहीं है क्या? ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिसिटी, वाह नाइस। लैंप है इलेक्ट्रिक वाले। जुम्बर है क्या? इलेक्ट्रिक वाले जुम्बर भी है गाइस। ये भी, ये लगा सकता हूँ मैं भाई, ये लगा सकता हूँ वहाँ पर भाई। इसके लिए क्या पॉलीमर शॉलीमर रिंग शिंग चाहिए क्या? पॉलीमर मंग रहे लग रहा है लोगो। ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चाहिए इसके लिए भाई। शार्प क्रिस्टल चाहिए भाई। शार्प क्रिस्टल कहाँ से लेके आए अभी? इलेक्ट्रॉनिक के बिना गाइस हमारी भाई जनरेटर तो बना लेंगे हम लोग। इसके लिए क्वार्ट्ज चाहिए, फायर स्टोन और आयरन इनगट। आयरन इनगट 20, फायर स्टोन और क्वार्ट्ज चाहिए भाई। ठीक है रुको, हाँ बिड़ी करके देता हूँ। ये क्या चीज़ है? कॉपर मेरे पास क्यों पड़ा हुआ है? मेरे पास ये कॉपर, अच्छा मैं नीचे से लेके आया ना अभी कॉपर। कॉपर यहाँ पे बनाने के लिए डाल देता हूँ। एंड हम लोग को चाहिए होगा ये पाउडर। 200 की ज़रूरत नहीं, 100 से काम बन जाएगा। आयरन गट, आयरन ही है ना? हाँ आयरन गट, थोड़े और चाहिए होंगे। थोड़े और अगर आयरन गट मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। एंड और क्या चाहिए था? और कुछ तो चाहिए था, मैं भूल गया लेकिन। रुको, ओ हाइड यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, आयरन इनगट नहीं है क्या यहाँ पे? आयरन इनगट 81 है। हाँ ठीक है, इसको ट्रांसफर सम आइटम, ट्रांसफर सम। मैं आधी चीज़ें कैसे ट्रांसफर कर सकता हूँ पता नहीं यार, स्प्लिट भी नहीं होता। छोड़ो, अरे इस पर नहीं बैठना है। जनरेटर कैसे बन रहा है? जनरेटर के लिए और क्या चाहिए? क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज 10। मेरे पास क्वार्ट्ज होने चाहिए। मैं एक्स्ट्रा ही लेके आया था क्योंकि मुझे पता था इनकी ज़रूरत फ्यूचर में पड़ेगी। क्वार्ट्ज है, क्वार्ट्ज भी आ चुके हैं। जनरेटर हम लोग बना रहे गए अभी। ये बन गया हमारा जनरेटर। व्हाई इट्स नॉट रनिंग? फेवर मशीन रिक्वायर गैसोलीन टू रन। यू नीड गैसोलीन, टेक दिस गैसोलीन। गैसोलीना टेक दिस, टर्न ऑन क्राफ्ट 3। एक ही क्राफ्ट कर लो भाई, 3 जनरेटर का क्या चार डालूंगा मैं भाई। गैसोलीन रिटर्न दो, ठीक है ये भी दो, ठीक है चलो भाई। देखो लाइट कर दिया, सही है। तो अभी बची हुई चीज़ें हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। क्वार्ट्ज वगैरह नहीं जा रहे इसमें, यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, सो जनरेटर कहाँ पे हमारा? जनरेटर कहाँ डाल दिया अभी? वो जनरेटर नीचे लगा हुआ है। लैंप, सारे हर एक तरह के लैंप अगर हमको बनाने हैं तो उसके लिए क्या इलेक्ट्रॉनिक होना जरूरी है? मतलब हर एक तरह के लैंप के लिए हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक चाहिए होगा। किसी भी प्रकार का कोई भी लैंप विदाउट इलेक्ट्रॉनिक के नहीं बन रहा है। सो ये हमारे लिए गाइस बहुत ही ज़्यादा बुरी खबर है, क्योंकि लैंप जो है, ये देखो मैं जैनी तो यहाँ पे लगा दो भाई। देखो हमारा जैनी है, पीटी है भाई, पप्पा का घर है क्या? सीधा घुस जाते यार। जेनी तो यहाँ पे लगा दो। ओ इसके लिए फाउंडेशन चाहिएगा। फाउंडेशन लगा के जेनी यहाँ पे लगा दूंगा मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इलेक्ट्रॉनिक के बिना गाइस हमारा काम नहीं चलेगा, वो सीन है भाई। काम करता हूँ, मेरे को खुदाई जो है गाइस वो हम लोग चालू रखने वाले हैं। बट बैरल लेने दो पहले। ये मैं जो है ना गाइस लेके जा रहा हूँ, और वहाँ पे जो है ना गाइस ऑयल अनलिमिटेड बनाने के लिए डाल रहा हूँ। और उसके बाद जो है ना गाइस हम लोग हमारे अंडरग्राउंड खुदाई भाई शुरू करते हैं। आज थोड़ी सी खुदाई तो गाइस हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखो मैंने बोला था गाइस कि आज के इस वाले एपिसोड में हम लोग बनाएंगे जनरेटर और हमारी इलेक्ट्रिक चीज़ें। सारी इलेक्ट्रिक चीज़ें बनाने के लिए भाई अभी इलेक्ट्रॉनिक कम पड़ गया, बट कम नहीं पड़ गया, मुझे पता ही नहीं इलेक्ट्रॉनिक के लिए भाई चीज़ें कहाँ से लेके आओ, वो सीन है। और कोई सीन नहीं है भाई। ये दियो ये बैरल यहाँ पे डालो भर के। या अगर मैं बैरल डालूंगा 6 फूल होने के बाद मिलेगा ना रिटर्न? बस जब बैरल ही गायब हो गया, मिल जाएगा। 25 मिल गया है ना, बन रहा है। बनाओ आराम से बनाओ, मैं जा रहा हूँ अभी बाहर। ठीक है, हम लोग को 25 जो है ना गाइस टोटल यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, पेट्रोलियम मिल चुका है। उसको अभी मैं कन्वर्ट कर देता हूँ घर पे जाके गैसोलीन में, फिर हम लोग अंडरग्राउंड। ओए गोल्डन ड्रॉप है क्या? गोल्डन ड्रॉप में भाई एक नंबर चीज़ें मिलती है, लग रहा है गाइस गोल्डन ड्रॉप है। रुको देखने दो मुझे, देखने से तो लग रहा है गाइस गोल्डन ड्रॉप है। दैट गोल्डन ड्रॉप ना भाई, ईची बीची का, ईची का सैडल मिल गया। डॉल्फिन टेम कर सकता हूँ गाइस मैं जाके अभी।
डॉल्फिन टिम कर सकता हूँ, डॉल्फिन का सैडल मिल चुका है मुझे। ओके सो नाउ गैसोलीन, लेदर चाहिए, लेदर चाहिए गैसोलीन बनाने के लिए, लेदर चाहिए जो यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है मैं गैसोलीन यहाँ पे बनाने के लिए डाल देता हूँ। 50 बन रहा है, ओ 25 से डबल बन जाता है क्या, मतलब 25 से 50 बन जाता है सीधा, 6, 8 भाई ये डबल बन जाता है गाइस गैसोलीन, ये पता नहीं था मुझे, सही है। चलो अभी गाइस मैं फास्ट फॉरवर्ड मोड ऑन कर लेता हूँ और यहाँ पे खुदाई हम लोग शुरू रखते, देखते आज हम लोग कितने अंडरग्राउंड खुदाई जो है गाइस वो कर पाते। ठीक है लेट्स गो बॉयज। All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us. Like a good drug, yeah. Never run off. We'd hook up in my car, driving so far. Play your guitar, you'd show me your art. Let down our guards, think with our hearts. Stare at the stars, we were never apart. Drinking too young, way too much fun. Out in the sun, open when it's gone. Took you to prom, dance to our song. Dance all night long till the lights come on. Now I remember everything and how careless we could be and how careless we could be. गाइज थक गया भाई मैं तो, भाई यार कितना ज़्यादा गाइज मेहनत लग रही है पता है खुदाई करने के लिए। मैंने अभी तक बस इतना एरिया खोदा है, इस तरफ 20 ब्लॉक और इधर 20 ब्लॉक, भाई इधर तो 20 ब्लॉक खोद के भी नहीं हुए हैं और पता नहीं मुझे आधे घंटे से ज़्यादा टाइम हो चुका है और लगातार मैं खोदे जा रहा हूँ। मुझे यहाँ पे ना कॉपर काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है, स्टोन तो मिल रहा है, फ्लिंट मिल रहा है, बट साथ में कॉपर जो है गाइज वो भी भर भर के मिल रहा है। एंड कॉपर से मेरी इन्वेंट्री जो है गाइज वो ऑलमोस्ट यहाँ पे अभी फुल होने वाली है। देखो वॉल पे कॉपर लगा हुआ है भाई, लिटरली भाई हमारे घर के नीचे भर भर के कॉपर है और मुझे खुद पता नहीं था। ये देखो ये देखो ये देखो भाई, कॉपर कॉपर की कमी नहीं है भाई, भर भर के कचरे की तरह कॉपर जो है गाइस वो मुझे यहाँ पे मिल रहा है और इससे मेरी जो है ना ये देखो भाई इन्वेंट्री भाई फुल हो चुकी है और अभी मैं जो है ना गाइस कुछ ज़्यादा ही थक चुका हूँ यहाँ पे। सच में भाई मैं जो है ना गाइस कुछ ज़्यादा ही थक चुका हूँ, मैं सारी चीज़ें डाल देता हूँ ऊपर जाके कॉपर जो है गाइस वो पिघलाने के लिए डाल के आ जाता हूँ मैं। रात हो गई क्या भाई, रात होने को आ गई यार, बारिश चालू हो गई यहाँ पे, बारिश चालू हो चुकी है भाई। कॉपर डाल दो भाई, 150 कॉपर गाइस मुझे नीचे मिला, 150 कॉपर टोटल, मजाक हो रहा है क्या। और ये देखो भाई इतनी सी जगह गाइस मैंने बस अभी तक बनाई है और इसको बहुत ही ज़्यादा और आगे की तरफ एक्सपैंड करना है। मैंने इस साइड में जो है ना गाइस लेंथ में तो एक्सपैंड करना है कर दिया, अभी सीधा जो है ना गाइस इसको और एक्सपैंड कर देना है जिससे हमारा अंडरग्राउंड बेच जो है गाइस भाई एकदम ओपी दिखेगा। और मैं इसको डेकोरेट किससे करूँगा पता है, लावा रॉक से। हम लोग यहाँ पे लगाने वाले गए लावा रॉक्स, मजाक नहीं हो रहा भाई, सीधा तेरा भाई यहाँ पे लावा रॉक की प्लानिंग बना रहा है। लावा रॉक कहाँ से मिलेंगे हम लोग को, लावा बायम में जाना पड़ेगा। अब इस मैप पे लावा बायम कहाँ पे इसका तो मुझे कुछ भाई खास उतना आइडिया नहीं है, बट हम लोग ज़रूर से उसको ढूंढेंगे भाई, कहीं ना कहीं तो लावा बायम हम लोग को मिल जाएगा। लावा रॉक से जो ना एकदम ओपी वाला लुक आएगा गाइस हमारे जो है ना यहाँ पे इस अंडरग्राउंड बेस को। देखो फ्लिंट भाई ऊपर से गिरा जा रहा है भाई लगातार, ये फ्लिंट ना माइनक्राफ्ट के ग्रैवल की तरह है, माइनक्राफ्ट में ग्रैवल नहीं ऊपर ऊपर से गिरते रहता है हमेशा, ये फ्लिंट जो है ना गाइस वही काम करता है भाई। मेरे थोबड़े पे गिर रहा भाई ये फ्लिंट, अच्छा डैमेज वगैरह उतना ज़्यादा नहीं पड़ रहा है। ठीक है रुको अभी यहाँ पे
जा जा भाई, छेद बन रहे ना। वाह वाह, इसे स्टोन भरने का काम भी मैं कर रहा हूँ लगातार। ठीक है देखो, इस तरीके से इसे यहाँ पे स्टोन भरने का काम भी कर रहा हूँ। जा जा भाई, छेद बन रहे ग्रेवल से। ओके बाकी तो इस तरह आधी खुदाई हो गई है, तो इतना और इतना, अरे नहीं हो गई ऑलमोस्ट। कोल मिल गया भाई, एंड में जाके हम लोग को कोल मिल गया, लिटरली एंड में जाके कॉपर भी मिला यहाँ पे। यार यार ये तो खुदाई हो गई, ज़्यादा नहीं बची है, 3-4 ब्लॉक ही बची हुई है। चलो फिर ये खुदाई कंप्लीट करके ना हम लोग एपिसोड का द एंड करेंगे। यार ग्रैब ये फ्लिंट भाई, ग्रैवल बोलने वाला था अभी मैं, ये फ्लिंट भाई गिरते रहता है यार, आगे भी गिरेगा। रुको अभी भाई यहाँ पे भरता नहीं हूँ मैं, क्योंकि एक और गिरेगा आगे। देखो फ्लिंट ही फ्लिंट है यहाँ पे, इस पूरे एरिया में ना फ्लिंट ही फ्लिंट है। कॉपर तोड़ने की ज़रूरत है, कॉपर को तोड़ने की ज़रूरत पड़ेगी, फिर ये फ्लिंट गिर जाएगा, इसको तोड़ने से वापस से फ्लिंट गिरेगा। सही यार, इतने तक ही खुदाई थी, बट यहाँ पे भी है ना, यहाँ पे भी गिरेगा, इधर भी गिरेगा भाई। कितना ज़्यादा फ्लिंट है भाई यहाँ पे, कितना सारा फ्लिंट है। देखो आगे भी गिरेगा भाई, पूरा फ्लिंट वाला ही एरिया लग रहा है मुझे तो, ये पूरा फ्लिंट वाला एरिया लग रहा है। चलो एक ब्लॉक एक्स्ट्रा खोद दिया मैंने, इसको भर देंगे। ओके हो गई गाइस, बस यहाँ पे ऊपर जो है ना गाइस मिट्टी भरना बाकी है, बाकी तो खुदाई जो है गाइस वो यहाँ पे है, कंप्लीट हो चुकी है। ओके यहाँ पे फ्लिंट गिर रहा है। ओके इसको खोदना है ना इधर, एक और लेवल, नाइस हो गया गाइस। बस अभी ये बीच वाला इतना जो है गाइस ये खोद देना है मुझे, एंड यहाँ पे स्टोन भर देना है, ये पूरे एरिया में स्टोन भर देने ऊपर तक। यहाँ पे बाद में कुछ ना कुछ डेकोरेशन की चीज़ें हम लोग लगा देंगे ताकि थोड़ा बेटर लगे। बराबर, डन 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 डन। जमीन पे भी थोड़े से गड्ढे पड़ चुके हैं। सो गाइज, इतनी सी जगह खोदने में मुझे लिटरली बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा, और आगे मुझे इसको और ज़्यादा सीधा खोदते जाना है, और पता नहीं इसमें कितना टाइम और लगेगा, बट हम लोग करेंगे। हम लोग हमारा अंडरग्राउंड हाउस जो है गाइस वो बना के रहेंगे किसी भी कीमत पे। बाकी तो अभी के लिए आज का ये वाला जो हमारा एपिसोड है वो हो जाता है गाइस ये पे खत्म। मिलते हैं सीधा गाइस सबसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जो है गाइस सब्सक्राइब कराने भूलना। मिलते हैं पिक्सार के अगले एपिसोड में, बाय बाय गाइस, सी यू लेटर। वाह ये तो सीधा घर में घुस गया, बोल क्या ही बोले। चलो बाय बाय गाइस। How careless we be. Yeah. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get